हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका वेलकम करता हूं आपके अपने इस चैनल में। और काफ़ी लंबे इंतजार के बाद मैं ये एक्सरसाइज अपलोड कर रहा हूं, क्लास 8 चैप्टर 1। तो इस एक्सरसाइज में जो कि 1.6 है, टोटल 4 क्वेश्चंस हैं, बहुत इजी होंगे। बस एक मेथड है जो हमें फॉलो करना है, ठीक है। सारे क्वेश्चंस एक ही कंसेप्ट पे बेस्ड हैं। देखो हमें क्या करना है, थोड़ा सा मैं एक एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए कि ये एक नंबर लाइन है, यहां पर हमने एक नंबर लिया 5 और एक नंबर लिया मान लो 8। तो इसके बीच में हमारे पास इनफाइनेटली बहुत सारे रेशनल और इरेशनल नंबर्स आते हैं। अब इस एक्सरसाइज में क्या करना है, इनके बीच में हमें कुछ नंबर्स इंसर्ट करने हैं। हो सकता है 4 नंबर्स, हो सकता है 5 नंबर्स। तो जितने भी नंबर्स हैं क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम उनको इंसर्ट करेंगे। तो इसी के अकॉर्डिंग और इसी कंटिन्यूटी में फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। फाइंड 3 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/7 एंड -2/7। अब देखिए, एक तरीका आपको फॉलो करना है, बहुत ध्यान से सुनिए मेरी बात को। हम इन नंबर्स को थोड़ा सा कन्वर्ट करेंगे इस तरह से कि ये जो 3 आपको गिवन है, ठीक है, और 3 नंबर्स हमें इंसर्ट करने हैं, तो हम इस 3 से बड़ा नंबर लेंगे। एक कोई भी नंबर 4, 5, 6, 10 या 100 कुछ भी हो सकता है, जो भी आपको इजी लगे। तो हम क्या करते हैं, राउंड फिगर में 10 ले लेते हैं। तो हम ये कहेंगे जो पहला हमारा नंबर है उसको हम इस तरह से मेंशन करेंगे, -3/7 × 10/10, ठीक है। ये नंबर एक नए रेशनल नंबर में कन्वर्ट हो जाता है, -30/70। हालांकि ये नंबर कोई डिफरेंट नहीं है, ये -3/7 के इक्वल ही है इसकी वैल्यू, बट लिखने का तरीका थोड़ा अलग है, जिससे कि हम इजीली इन दो नंबर्स के बीच में रिक्वायर्ड रेशनल नंबर्स को इंसर्ट कर सकें। और -2/7 जो है उसको हम क्या लिखेंगे, उसी को भी हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देंगे, ठीक है। तो ये बन जाता है -20/70। अब देखो, आप 0 से 0 कैंसिल करेंगे तो -2/7 बन जाएगा ये, ठीक है। तो नंबर हमने चेंज नहीं किया है, और मुझे लगता है 7th क्लास में भी आप ये मेथड सीख चुके होंगे, ठीक है। अब देखो क्या करेंगे, आप क्वेश्चन में इजीली देख सकते हो कि जो नंबर है उसमें -3 और -2, यानी कि न्यूमरेटर्स के बीच में से डिफरेंस किसका है, एक का रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में। लेकिन हमारे जो नंबर अभी हमारे पास आए उनमें जो न्यूमरेटर का डिफरेंस है वो आ रहा है -30 और -20, यानी कि नेगेटिव में 10 का डिफरेंस आ रहा है। तो अब 10 में से कोई भी 3 नंबर हम इजीली लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम हमारा आंसर लिखेंगे रिक्वायर्ड नंबर्स आर। अब आपको ऐसे 3 नंबर पता करने हैं जो -20 से -30 के बीच में आते हों, ठीक है। तो नंबर लाइन पे 0 के लेफ्ट में नेगेटिव नंबर्स होते हैं, अच्छे से जानते हैं। तो -20 से छोटा नंबर क्या होगा, जैसे 1 हो गया -21, 1 -23, कोई भी आप नंबर इस तरह से ले सकते हैं, -29। आपको 30 या 31 नहीं लिखना, 30 से बियॉन्ड नहीं जाना है। तो 20 से 30 के बीच के आप नंबर लिखें, कोई भी 3 जो आपको अच्छे लगे, और आंसर मैच करने की कोशिश नहीं करें, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, तो बुक में जो आंसर्स है वो डिफरेंट हो सकते हैं। डोंट वरी, आपके आंसर्स करेक्ट होंगे अगर आप इस मेथड को फॉलो करते हैं। तो डिनोमिनेटर में आपको 70 लिख देना है सभी में, ठीक है, 70 और 70, कोमा लगा दे। तो ये 3 हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए, ठीक है। चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। देखो सेकंड क्वेश्चन में फाइंड 4 रेशनल नंबर्स बिटवीन -3/5 एंड -2/5, ठीक वही मेथड यूज करेंगे। आप देखो यहां पे ये 4 है, तो 4 से एक बड़ा नंबर लो, 5, 6 कुछ भी ले सकते हो। मैं यहां पर हर बार 10 लूंगा, जिससे कि कैलकुलेशन इजी रहेगी। आप जानते हैं कि 10, 100 और 1000 के बेस पे मल्टीप्लाई या डिवाइड करना इजी होता है। चलो, तो 3/5 नेगेटिव में, इसको हम क्या लिखेंगे, एक मिनट, ये इक्वल्स, यहां पे हम 10 से मल्टीप्लाई और डिवाइड, ओके। ये क्वेश्चन मैं आपको थोड़ा इजी वे में सोल्व करवा रहा हूं, इसीलिए मैंने 10 को कंसीडर किया है, और ये हो जाता है -30/50, और दूसरा नंबर जो है वो है -2/5। तो ये भी इस तरह से कन्वर्ट हो जाएगा इजीली, और -20/50 आपको लिखना है रिक्वायर्ड नंबर्स आर। अब देखो, न्यूमरेटर में हमारे पास -20 और -30 है, इनके बीच में आप कोई भी 4 नंबर लिखें, ठीक है। तो -30 से आप बियॉन्ड जाएं, -30 से इधर अंदर की तरफ जाते हैं, तो -27 कोई भी नंबर रेंडम ले सकते हैं, ठीक है, -25, -24 और -21। ध्यान रखिए 19 आपको नहीं लेना, क्योंकि 20 से आप जो है वो छोटा नंबर नहीं ले सकते, और 30 के बियॉन्ड नहीं जाना, 31 वगैरह कुछ भी नहीं ले सकते। तो 20 और 30 के बीच के नंबर ले लें। डिनोमिनेटर में आपको फिट कर देना है 50,
ये डिनोमिनेटर में 50 फिट कर देना है, ठीक है। तो ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। तो आई थिंक क्वेश्चन आपको काफी आसान लग रहे होंगे, ऑब्वियसली एक्सरसाइज बहुत आसान है। चलते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। देखिए थर्ड क्वेश्चन में यही कर रहा है, ओ ये तो काफी इजी है। देखो नंबर लाइन पे आप देख सकते हो ना, जीरो और वन, अब इन्फाइनेटली तो बहुत सारे हैं बट थ्री नंबर्स लिखने हैं। चलिए इसी मेथड से करेंगे, मेथड हम चेंज नहीं करेंगे ताकि आपको समझने में थोड़ा सा कन्वीनियंट लगे। तो फिर हम लिखेंगे जीरो, ठीक है। अब देखो जब हमें थ्री रेशनल नंबर्स फाइंड करने हैं तो हम जीरो को इस तरह से कन्वर्ट करेंगे, जीरो इंटू और थ्री से बड़ा नंबर ले, आपकी बार हम फाइव लेते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा जीरो अपॉन फाइव, ठीक है। इस मेथड में कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आप इस मेथड से क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। और वन को हम क्या लिखेंगे, वन इंटू फाइव अपॉन फाइव, तो ये हो जाता है फाइव अपॉन फाइव। ऑब्वियसली फाइव अपॉन फाइव का मतलब वन ही होता है, ठीक है। तो फिर वही लैंग्वेज हम लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, तो तीन नंबर लिखने हमें, ठीक है। तो जीरो पॉइंट फाइव और फाइव पॉइंट फाइव, अब ध्यान से देखिए, एक हम लिखेंगे वन अपॉन फाइव, एक होगा टू अपॉन फाइव, सॉरी टू अपॉन फाइव, यानी कि जो न्यूमरेटर्स हमारे हैं, आप यहां ध्यान से देखें, ये हमारा न्यूमरेटर है जीरो और ये रहा फाइव, इनके बीच में, ठीक है, इनके मिडिल में आने वाले कोई भी तीन नंबर आपको मेंशन करने हैं। तो वे थोड़ा चेंज कर देता हूं, उसी वे में मैं नोट करता हूं, वन हो गया, टू हो गया और फोर हो गया, बिटवीन जीरो एंड फाइव आपको नंबर लिखने हैं। देन यू हैव टू मेंशन फाइव इन द डिनोमिनेटर और पुट द कोमा बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव नंबर्स। तो ये हो गया 1/5, 2/5 और 4/5, ये हमारा आंसर हुआ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है फोर्थ। देखो फाइंड थ्री रेशनल नंबर्स बिटवीन, देखो इसके फोर पार्ट्स हैं, ठीक है। तो इस स्क्रीन पे हम टू पार्ट सोल्व करेंगे, थ्री रेशनल नंबर्स, टू अपॉन थ्री एंड थ्री। तो वही मेथड लेंगे हम, यहां पे हम लिखेंगे 2/3 इज इक्वल टू 2/3। अब थ्री रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो हम 10 से कर देते हैं क्योंकि 10 3 से बड़ा होता है और ये नंबर कन्वर्ट हो जाता है 20/30, ठीक है। एंड और 3 को हम क्या करेंगे, 3 को करेंगे 3 इंटू 10/10 जो कि होता है 30/10, राइट। अच्छा हमें एक चीज का ध्यान रखना होगा, ठीक है। देखो छोटी सी मिस्टेक होगी, हमें सबसे पहले डिनोमिनेटर को सेम करना होता है, ठीक है। डिनोमिनेटर को हम सेम करेंगे तो इसमें देखो 3 जो है उसके नीचे हम डिनोमिनेटर 1 मान के चलते हैं। अब सबसे पहले इनके डिनोमिनेटर को सेम करो तो देखो 3 और 1 का एलसीएम क्या होता है, 3 होता है ना, ये दोनों का एलसीएम 3 होता है। तो फिर हम कन्वर्ट करेंगे, अब हम यहां पे मेंशन कर देंगे, वी हैव 2/3 एंड और ये 3/1, इसको हम क्या कहेंगे, 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाता है 9/3। और ठीक है, तो एलसीएम लिखने की जरूरत नहीं है, आप लिख सकते हो कि एलसीएम ऑफ 3 एंड 1 इज 3, ये ना लिखे तो भी चलेगा, एलसीएम सेम हो गया। अब हमारे पास दो नंबर्स आ गए, वी हैव 2/3 एंड 9/3, ठीक है। अब उसी मेथड से हम इसको सॉल्व करेंगे, तो तीन नंबर हमें इंसर्ट करने हैं तो 3 से बड़ा नंबर वही 10 कंसिडर करते हैं, इसको हम बाद में सोल्व करेंगे, इसको नीचे शिफ्ट करते हैं, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो नंबर होता है ये होता है 2/3 इज इक्वल टू 2/3 इंटू 10/10, ये होता है 20/30। और सेकेंड नंबर है 9/3 इज इक्वल टू 9/3 इंटू 10/10, दैट इज 90/30। तो आप देख सकते हो अब इजीली ये उस फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और रिक्वायर्ड नंबर्स हम यहां पे मेंशन करेंगे, रिक्वायर्ड नंबर्स आर, आपको यहां पे ध्यान देना है कि कोई भी नंबर नेगेटिव नहीं है तो हमारा आंसर जो होगा वो पॉजिटिव में आएगा, ठीक है। नेगेटिव नंबर भूल के भी ना लिखें। तो 3 के लिए हम देखो 20 के बाद कुछ नंबर्स लिखते हैं, जैसे 25 हुआ, ये 28 हुआ, एक हम 88 ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 90 से बिगर नहीं लेना है। और डिनोमिनेटर में आपको 30 को फिक्स कर देना है, ये 30 रहा और कोमा लगा दें। तो इस तरह से तीन हमारे रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए, ठीक है। मैं फिर से याद दिला दूं, बुक में जो आंसर्स हैं वो मैच मत करो आप, क्योंकि इनफाइनाइट नंबर्स होते हैं, बुक में डिफरेंट हो सकते हैं आपके सबके आंसर्स, एक क्लास में जितने भी स्टूडेंट्स हैं सबके आंसर डिफरेंट हो सकते हैं, डोंट वरी। अगर आपका प्रोसेस सही है तो आपके सारे आंसर्स करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट करते हैं इसका, नेक्स्ट पार्ट देखो,
सेकंड पार्ट में लिखा है -1/3 and 1/2। अब देखो यहां पर एक नंबर नेगेटिव है और एक पॉजिटिव है, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल मेथड हमारे पास है, बस फॉलो करते रहिए। तो इनका एलसीएम पहले हम सेम करेंगे, ठीक है। तो यहां पर मेंशन करेंगे, देखो 3 और 2 का एलसीएम क्या होता है, 6 होता है, तो हम एलसीएम को सेम करेंगे। इसका मतलब -1/3 वी हैव, ठीक है। चलो डायरेक्ट लिखते हैं, पहले -1/3 को कन्वर्ट कर देते हैं। इसको अगर हमें 6 बनाना है तो नीचे 2 और ऊपर 2 हमें लगाना पड़ेगा इस तरह से, और ये हो जाता है -2/6, ठीक है। और 1/2 को कन्वर्ट करने के लिए हमें 3 की नीड होगी, क्योंकि 2 को 6 में कन्वर्ट करने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना होता है, और नाउ दैट बिकम्स 3/6, ठीक है। 1/2 -1/3, करेक्ट। अब देखो हमारे पास दो नंबर्स हैं, ठीक है, और दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो हम कह देंगे वी हैव -2/6 and 3/6। इजीली अब हम हमारा आंसर लिख सकते हैं, तो -2/6 = -2/6 × और कितने नंबर्स इंसर्ट करने थे हमें, 3। बस हम 10 का कंसेप्ट लेके चलते हैं, बाकी अदर नंबर के चक्कर में आपको नहीं पढ़ना स्टूडेंट्स, ठीक है। -20/60 एंड सेकेंड जो नंबर था वो था 3/6 = 3/6 × 10/10 और ये हो जाता है 30/60। तो 60 हमारा डिनोमिनेटर हुआ, ठीक है। ध्यान से देखो, ये वाला जो 60 है ये हमारा डिनोमिनेटर हो गया, और अब तीन नंबर्स इजीली मेंशन कर सकते हैं हम, रिक्वायर्ड नंबर्स आर। तो -20 से हम राइट में आएंगे, लेफ्ट में नहीं जाएंगे, तो -20 से बिगर क्या होता है, जैसे -10 होता है, ठीक है, -10 होता है, माइनस का 5 भी होता है, एक पॉजिटिव नंबर ले लेते हैं 27 ले लेते हैं, कुछ भी हो सकता है, 30 से बिगर नहीं लेना, ध्यान से सुने, और डिनोमिनेटर में 60 हो जाएगा, 60 and 60। तो तीन हमारे रिक्वायर्ड रजिस्टर नंबर्स हो गए, ठीक है, दो पार्ट सोल्व हो गए। थर्ड पार्ट देखो, 1/6 and 5/7, तो फिर से हम एलसीएम जो है वो लेंगे डिनोमिनेटर्स का। चलो की बार हम लिख देते हैं, ठीक है, एलसीएम ऑफ 6 and 7। देखो 6 और 7 का एलसीएम क्या होता है, 42, ठीक है, 42। अब हम मेंशन करेंगे इसको 1/6 वी हैव, ठीक है, वी हैव। देखो पहला जो नंबर है उसको हम मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 7 से, ताकि डिनोमिनेटर में 42 बन जाए हमारे पास, और ये हो जाता है 7। एंड 5/7 को मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे 6 से, तो ये भी 42 और ये 5, 6 = 30। अब हमारे पास देखो दो नंबर्स हैं, ठीक है, और दोनों नंबर्स में डिनोमिनेटर सेम आ रहा है 42, बस यही आपको करना है। अब देखो वी हैव 7/42 and 30/42। अब 42 आ गया हमारे पास सेम, ठीक है। अब देखो 7 और 30 के बीच में कितना डिफरेंस है, इसे बहुत डिफरेंस, तो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम, ठीक है, डायरेक्ट तीन नंबर लिख सकते हैं। तो 7 के बाद में जो क्या आएगा वो देखो रिक्वायर्ड नंबर्स आर। अब 7 से बिगर देखो 8 होता है, आपको जो भी अच्छा लग रहा है, मैं एक 13 ले लेता हूं, और 30 ना 30 से कम ले लेते हैं 29। डिनोमिनेटर में 42 फिक्स कर देते हैं, 42 और 42, तो ये इस तरह से इसका आंसर हुआ। चलिए फोर्थ पार्ट देखते हैं, -1/9 and 20/9, तीन नंबर हमें पता करने हैं। चलिए तो डिनोमिनेटर ऑलरेडी सेम है जो कि 9 है, तो हम इसको फिर 10 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, ठीक है। -1/9 = थोड़ा सा शॉर्ट कर दें इसको, ज्यादा शॉर्ट नहीं करना है, क्योंकि जो स्टेप्स हैं, जितनी भी स्टेप्स रिक्वायर्ड होती है वो आपके आंसर में होनी चाहिए। वी हैव लिखते हैं हम, वी हैव -1/9 × 10/10, दैट इज -10/90 एंड 2/9 × 10/10, दैट बिकम्स 20/90। ये होता है -1/9 और 2/9, चलो ये ठीक है। अब देखो रिक्वायर्ड नंबर्स आर,
तीन नंबर इंसर्ट करें तो -10 से राइट में जाएंगे तो एक नेगेटिव नंबर ले लेते हैं -5 और बाकी पॉजिटिव ले लेते हैं, ठीक है। एक हो जाएगा हमारे पास 15 और एक कौन सा लें 16 ले लेते हैं। डिनोमिनेटर में आप 90 फिक्स कर दें, 90 और 90, तो तीन रिक्वायर्ड नंबर्स हो गए और इस तरह से एक्सरसाइज 1.6 कंप्लीट होती है और साथ ही इस बुक का चैप्टर 1 भी कंप्लीट होता है। तो स्टूडेंट्स जितने ज्यादा हो सके अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो इस बुक को फॉलो कर रहे हैं, ठीक है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो पर खूब सारे लाइक मिले, शेयर मिले और चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं। अपने फ्रेंड्स को भी रिकमेंड कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर 2 के साथ। गुड डे।